इज द करंट सिचुएशन ऑफ माई रूम. मेरा देखो कितना गंदा हो रखा है कमरा पूरा. एंड यहाँ पे कल से काम शुरू हो जाएगा वाइट वॉश वगैरह का, क्योंकि मेरा पूरा रूम अब पूरा मेकओवर हो रहा है. पूरा अच्छे से प्यारा सा रूम हो जाएगा, थोड़ा तमीज़दार सा रूम हो जाएगा मेरा. तो हाँ, ये पूरा मेरा रूम अभी ऐसा सा हो रखा है, पूरा फैला हुआ है. यहाँ पे वॉलपेपर लगा हुआ था वो हटा दिया, ये पूरा ऊपर से काला काला सा हो रखा है. यहाँ पे BTS की फ़ोटोज़ लगी हुई थी वो हटा दी, यहाँ पे लाइट थी वो हटा दी, यहाँ पे बेडशीट था सब हटा दिया. यहाँ पे बस एक चार्जिंग का पॉइंट लगा हुआ है, और हाँ ये वॉलपेपर वगैरह भी है, ये सब भी हट जाएगा. तो हाँ, बहुत कुछ हट जाएगा एंड पूरा रूम मेरा मेकओवर हो जाएगा. तो या लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स. एंड कल से मेरे पूरे रूम का काम स्टार्ट हो रहा है, तो ये टेबल भी बाहर जाएगी, ये सब हट जाएगा, वॉल हट जाएगी, मिरर हट जाएगा, सब हट जाएगा. तो हाँ, उसके लिए मैं जब अब पढ़ूंगी तो मैं अपनी मम्मी और मैं जब भी पढ़ूंगी अपनी मम्मी के कमरे में पढ़ूंगी, जैसे मैं पढ़ रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो जाती है तो मैं वहीं चले जाती पढ़ने, क्योंकि मेरे रूम में डायरेक्ट विंडो है ना यहाँ पे, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा धूप आती है, इतनी ज़्यादा गर्म हो जाता है मेरा कमरा, लाइक उबल रहा होता है मेरा कमरा, तो इसलिए मैं वहाँ चली जाती पढ़ने के लिए. तो हाँ, तो मेरे को वैसे भी वहीं पर ही पढ़ना पड़ेगा, कोचिंग का काम, स्कूल का काम, सारी नोटबुक्स मेरी वहीं पड़ी हैं अभी. तो हाँ, वो सब मैं वहीं करूँगी एंड टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन भी मैं वहीं करूँगी. एंड बाय द वे, टुडे इज़ 17th ऑफ अप्रैल. हाँ, आज 17th ऑफ अप्रैल है. एंड अब मैं जा रही हूँ गिव अवे के जो विनर्स हैं उनको बुक्स पार्सल करने के लिए, क्योंकि उन सबसे मैंने DM करके मैसेज इंस्टाग्राम पे उनका मैसेज आ गया था, जो जो विनर थे जिनको मैं, क्योंकि मैंने बोल गया था कि जो जीत गए हैं मतलब वीडियो में अपने उनके कमेंट में कि हाँ, तो हम लोग अपने मैसेजेस मेरे को DM कर दो, इंस्टा पे भेज दो मेरे को, तो वहाँ पे मैं देख लूँगी. तो वहाँ पे उन्होंने मैसेज कर दिया था कि उनको कौन से बुक की नीड है, क्या चाहिए उनको, एड्रेस वगैरह सब उन्होंने भेज दिया था. तो हाँ, वही मैं आज डिलीवर करने जा रही हूँ. एंड मेरा इतना लेट हो गया है, लाइक बहुत ज़्यादा लेट हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. बट मैं भी क्या करूँ भाई, मेरी 1st अप्रैल से तो कोचिंग ही थी, फिर मम्मी का भी ऑफिस था, अब हम कभी जाते, फिर उसके टेस्ट भी कोचिंग के, वो भी है अगले हफ्ते एक और टेस्ट, इस हफ्ते भी हुआ था टेस्ट, है ना, मैथ्स में अगले हफ्ते एक और टेस्ट, 15 क्वेश्चन का टेस्ट है, लाइक बिल्कुल अभी तो बेसिक लेवल का हुआ था टेस्ट, अभी नेक्स्ट टेस्ट जो है मेरा थर्सडे का, वो बिल्कुल हाई लेवल का होगा, लाइक JEE लेवल का होगा. तो हाँ, बहुत ज़्यादा उसकी टेंशन है एंड उसके लिए प्रिपरेशन भी कर रही हूँ. मेरे स्कूल के पेपर भी हैं मंडे से, तो हाँ, इसलिए मेरे को बिल्कुल भी 1% टाइम नहीं मिल रहा था. आज मेरे को टाइम मिला है, रामनवमी है आज, आज मैं जाऊँगी, क्योंकि आज मेरे स्कूल की भी छुट्टी थी, कोचिंग की भी छुट्टी थी. स्कूल तो मैं वैसे भी रेगुलर जा रही हूँ, बट स्टिल उसका भी काम होता है, क्योंकि उसकी भी प्रिपरेशन करनी है हमें साथ साथ, क्योंकि बोर्ड भी देने हैं 12th में, तो वी कांट वेस्ट 11th ग्रेड एट ऑल. तो हाँ, इसीलिए मैं आज जा रही हूँ बुक्स को वहाँ डिलीवर करने, वहाँ से डिलीवर हो जाएंगी. एंड जब हो जाएंगी तो मेरे को तुम लोग मैसेज कर देना जिसके पास ये पहुँच गई, इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो राइट नाउ, तुम लोग मेरे को DM कर देना या यहीं पर कमेंट कर देना कि हाँ, बुक्स हमारी पहुँच गई है. तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. तो चलो अभी चलते हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू सेंड दी बुक्स. एंड इतनी सारी बुक्स हो रखी थी, मम्मी ने उठा रखी थी सारी बुक्स, एंड मैंने यहाँ पे दूसरा वाला थैला उठा रखा था जिसमें ड्राई क्लीन वाले कपड़े थे. तो हाँ, मम्मी ने सारी बुक्स उठा रखी थी एंड अब उनके हाथ में दर्द हो गई, क्योंकि इतनी भारी बुक्स है, इतना सारी बुक्स है ना, लाइक एडुकार्ट का था, ओसवाल की थी, और भी जो रेफरेंस बुक्स मैंने खरीदी थी वो थी, तो लाइक इतना ज़्यादा वेट हो गया था, लाइक 10 किलो का वेट हो गया था. एंड वो उठाते हुए जा रहे थे, देन हम यहाँ पे पहुँचे DTDC वाले स्टोर पे, ये जो होता है ऑफिस टाइप, यहाँ पे पहुँचे, मेरे सोसाइटी के मार्ट में ही है. सो या हम यहाँ से डिलीवर करवा दिया था हमने सारे पार्सल, तो वो तुम सब पे पहुँच जाएंगे, तो जब पहुँच जाएंगे तो तुम लोग मैसेज कर देना. तो एनीवेज, उसके बाद हम यहाँ पर आए ड्राई क्लीन के कपड़े देने, जो मेरे रूम के कर्टन्स है वो एंड एक आध दो शर्ट्स और. तो हाँ, हमने ये दिया, देन वी वेंट टू द मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स एज वेल, एंड उसके बाद वी केम बैक होम. सो यहाँ से मैंने अपने रूम से सब कुछ हटा दिया था, सामान जो भी था मेरा, जो वॉल पे लगा हुआ था वो सब हटा दिया था. एंड दिस इज़ द पार्ट दैट आई हैव शोल्ड यू अर्लियर एज वेल. तो ये कर्टन्स वगैरह ये भी हटा देंगे, वो जो भैया आएंगे वाइट वॉश करने वही खुद हटा देंगे. देन उसके बाद आई वेंट एंड हैड माई डिनर. हमसे बाहर से आज खाना ऑर्डर कर लिया था, बट आज लिटरली इतना अच्छा खाना नहीं आया हुआ था, लाइक थोड़ा फीका फीका सा खाना था. देन उसके बाद दिस इज़ द नेक्स्ट डे, एंड यहाँ से मेरा रूटीन स्टार्ट होता है. तो आई वोकअप एट 7 AM, क्योंकि आज मेरे को बहुत सारा काम था. आई हैड माई टी इमीजिएटली. उसके बाद आई डिड सम वर्कआउट एंड कुछ हैड अ रियली लाइट ब्रेकफास्ट फॉर द मॉर्निंग. एंड उसके बाद 9 बजे मैं पढ़ने बैठ गई, क्योंकि मेरे मैथ्स का टेस्ट था आज एंड मेरे को अपना केमिस्ट्री का भी होमवर्क ख़त्म करना था. एंड मेरे को और भी जो मेरा एक आधा टॉपिक जो बैकलॉग में हो गया था, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन करा था ये वाला बैच,
वो भी करना था। देन उसके बाद आई हैड द हैवी ब्रेकफास्ट, क्योंकि 2 घंटे हो गए थे, 2-2.5 घंटे हो गए थे जिसमें मैंने थोड़ी बहुत अपनी वीडियो एडिट करी वो करी। तो हाँ, उसके बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड देन दिस इज़ द शेड्यूल। देखो भाई, टेस्ट होना था अगले थर्सडे, बट लाइक आज हमारा टेस्ट हो गया था जो कल था थर्सडे वाला, उस दिन हमारा टेस्ट हो गया था भाई। इन्होंने अगले थर्सडे टेस्ट बोला था, तो मैं उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, लाइक धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक ढंग से सारे सारे क्वेश्चंस के करके। अभी मॉड्यूल भी मेरे क्वेश्चन सारे कंप्लीट नहीं हुए हैं और आज ही टेस्ट था भाई साहब। और टेस्ट भी इतना मुश्किल आया था ना, इतना मुश्किल टेस्ट आया था, लाइक स्टार्टिंग के तो 3-4 क्वेश्चन मेरे को समझ ही नहीं आया कि इनमें करना क्या है भाई, लाइक लिटरली बिल्कुल सर के ऊपर से चला गया था मेरा क्वेश्चन 3। उसके बाद के होने लगे, बट स्टिल भाई 3 क्वेश्चन और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी थी टेस्ट में, ये सब कौन बताएगा, लाइक पता ही नहीं था। एंड आज लाइक अचानक से इन्होंने टेस्ट ले लिया, जैसे पिछले हफ्ते दोबारा लिया था, लाइक लिटरली इतने सारे सरप्राइज टेस्ट हो रहे हैं ना, लाइक बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई है मेरी तो। एंड उसके बाद आफ्टर दिस, आफ्टर सीइंग द टाइम टेबल कि आज ही टेस्ट है, मैं फटाफट सबसे पहले मैथ्स ही करने बैठी। ऑल दो मेरा प्लान था कि मैं पहले केमिस्ट्री का होमवर्क ख़त्म करूँगी, देन थोड़ा सा टॉपिक इसमें से रिवाइज करूँगी, क्योंकि टेस्ट तो अगले हफ्ते है थर्सडे को, बीच में सैटरडे संडे भी काफ़ी टाइम मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ आज, बट चलो कोई बात नहीं। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड यहाँ पर मैं कर रही थी अपने सेट्स का जो चैप्टर 1 है मैथ्स का, उसका मॉड्यूल, मॉड्यूल के जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं मैंने पहले वो करे, क्योंकि मैंने थ्योरीज की ऑलरेडी पढ़ रखी थी एंड जो मेरे को कोचिंग के नोट्स मिले थे मैंने साइड बाय साइड रिवाइज करती रही थी मैं, तो थ्योरी में इतनी कुछ दिक्कत तो नहीं थी मेरे को। बट हाँ, क्वेश्चंस में जो इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन है, जो वेवी कर्व मेथड है, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेरे को, बट वो धीरे धीरे और प्रैक्टिस करते 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 क्लियर होता जा रहा है एंड आगे भी हो जाएगा, आई होप सो। तो हाँ, मैं अभी वही प्रैक्टिस करी थी एंड उसके बाद जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 से पहले जो एक्सरसाइज 1.1, 1.2 होती है इस मॉड्यूल में, पहले वो करी। एंड द थिंग इज, स्कूल में आता है लाइक थियोरिटिकल टाइप वाले क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, है ना, एमसीक्यूज इतने नहीं आते, एंड यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज है मेरे मॉड्यूल में, है ना, क्योंकि जेई का पेपर तो एमसीक्यू बेस्ड ही होता है ज़्यादातर एंड इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल टाइप होता है, तो उसके लिए आई हैव टू बाय अ डिफरेंट बुक फॉर केमिस्ट्री। एंड केमिस्ट्री के लिए आई एम थिंकिंग कि फॉर स्कूल आई विल बाय प्रदीप की जो केमिस्ट्री आती है Volume 1 and Volume 2, मैं वो खरीदूंगी। एंड फिजिक्स की मेरे पास एच सी वर्मा, उससे काम हो जा रहा है अभी स्कूल के लिए, एंड वो तो जेई के लिए भी सही रहती है। एंड जो मैथ्स के लिए स्कूल के लिए आई हैव बॉट आरडी शर्मा एंड एनसीईआरटी, तो उससे मेरा काम हो जाएगा। बट हाँ, आई हैव आस्क माई फ्रेंड जो कोचिंग में ही है, उसने बोला था कि मैथ्स के लिए यू शुड बाय सिंगेज की एंड एच सी वर्मा, तो हम दोनों के पास ही है तो ठीक है। उसने बोला था मैथ्स के लिए यू शुड बाय सिंगेज फॉर जेई लेवल एंड जो अलग अलग बुक्स आते हैं केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल वाली, वो जो सबको पता है नरेंद्र अवस्थी एंड एम एस चौहान, वो सब वगैरह लेनी है। तो हाँ, मैं ये बुक्स धीरे धीरे लूँगी, आई एम नॉट बाइंग देम ऑल एट वंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी है ये बुक, एक एक बुक बहुत ज़्यादा महंगी है, तो ऑब्वियसली आई कांट बाई एवरीथिंग एट वंस ना, और इतनी बुक्स मैं कर भी नहीं पाऊंगी जल्दी, तो मैं धीरे धीरे खरीदूंगी। तो जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो मैं अपनी वो सिंगेज की बुक है वो मैं लूँगी मई में, जब छुट्टियाँ चालू हो जाएंगी मैं तब लूँगी, ताकि कम से कम मेरे पास टाइम तो हो वो खरीदने का, वो वेस्टेज तो ना हो ना पैसों की। तो हाँ, यहाँ पे देन आई वॉज कंटिन्यूइंग द चैप्टर एंड यहाँ पे कुछ कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये कुछ फार्मूलाज है ना, उनको मैं ढंग से लिख कर रिवाइज कर रही थी। याद तो मेरे को हो गया था कि इनको कैसे कैसे, इनको डिराइव करना भी आ गया था क्योंकि वो सब समझा दिया था, तो इट इज़ बेटर कि तुम लोग डिराइव करना सीखो रादर देन रटने से, अच्छा तो यही अच्छा कि तुम डिराइव करना सीखो एक एक फार्मूला, तुम्हें ढंग से याद हो जाएगा। एंड एप्लीकेशन के लिए यू शुड ऑब्वियसली ट्राई टू सॉल्व द सॉल्व एग्जाम्पल्स बिना आंसर देखे, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है तो आंसर देखो, वरना मत देखो, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि तुमको पता चल जाए कि क्या एल्गोरिदम, क्या मेथड तुमको फॉलो करना है वगैरह वगैरह, ताकि तुम्हारा एग्जाम में भी तुम्हारा दिमाग एकदम से ब्लैंक ना हो जाए। सो दिस इज़ द अपडेट ऑफ माई रूम, यहाँ पे अभी काम चल रहा है एंड इतना ज़्यादा मेरा पूरा घर इतना गंदा हो गया था, बट चलो एनीवेज अभी करवाना ही था तो हो ही रहा है। अभी नहा रही हूँ एंड आई एम रेडी टू स्टडी मोर, तो मैं अभी यहाँ पे अभी मैथ्स पढ़ रही थी क्योंकि मेरा आज टेस्ट है कोचिंग में, मेरे को लगा था अगले हफ्ते, बट हाँ टाइम टेबल में पता चला कि आज ही है टेस्ट, तो पूरा चैप्टर जो सेट्स चैप्टर है उसका टेस्ट है। एंड हाँ, बेसिक वाला टेस्ट तो हो गया, अभी थोड़ा हाई लेवल का टेस्ट है, लाइक सर ने बोला था कि 15 से 20 क्वेश्चन होंगे जेई वगैरह तक लेवल को टच करेंगे, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, अपने मॉड्यूल से क्वेश्चंस कर रही हूँ। और उसके बाद मेरे को अपना केमिस्ट्री का भी होमवर्क कंप्लीट करना है, मेरे को केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने जो हमें दे रखे हैं, लाइक मार्क कर लिए हैं मैंने मॉड्यूल में स्टेप 2 से जेई मेन वाले,
उसमें PYQs भी हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस भी, MCQs वगैरह हैं मोस्टली तो, बट हाँ उनको सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है एंड लाइक फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा लग रहा है कि मैथ्स ज़्यादा कर रहे हैं केमिस्ट्री कम हो रही है यहाँ पे तो मैं भाई वही इतना सब काम कंप्लीट करना है मेरे को एंड अभी मेरे रूम में वाइट वॉश चल रहा है, किचन में भी वाइट वॉश हुआ है तो घर वैसे ही पूरा फैला, मेरा पूरा रूम ऐसा पूरा फैला हुआ जैसा कि मैंने तुमको दिखा दिया है। एंड हाँ अब इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट 1 PM समथिंग, मेरे को अपना केमिस्ट्री का होमवर्क सबसे पहले खत्म करना होगा, मैथ्स का तो चलो फिर भी हो जाएगा है ना, देख लेंगे हो जाएगा, वो मैथ्स का आराम से हो जाएगा आई गेस, बट हाँ सिर्फ मैथ्स में जो दिक्कत नहीं है जितनी दिक्कत वो केमिस्ट्री में आती है एंड जो जितनी केमिस्ट्री मैंने मेहनत करके इम्प्रूव करी थी पिछले साल, आई डोंट वॉन्ट कि वो वापस से ढक के 3 पार्ट वहीं आ जाए, बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, तो हाँ तो इसीलिए आई एम गोना कंप्लीट माई केमिस्ट्री का होमवर्क फर्स्ट। सो या लेट्स गो, अभी मैं ये सॉल्ट एग्जाम्पल्स कर रही थी कंप्लीट एंड या सॉल्ट एग्जाम्पल्स आर द मेन थिंग, ये वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह थोड़ा घुमा देती हैं, इस टाइप के क्लास में भी करे थे बहुत सारे क्वेश्चंस, वीवी कर्व मेथड भी बहुत बार क्लास में कर रखा है, बट हाँ इसमें थोड़ी सी मेरे को दिक्कत है क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन करा था, बट धीरे धीरे करके मेरे को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कब क्या सॉल्यूशन लिखना है क्या लिखना है, वो सब मेरा हो रहा है धीरे धीरे मेरे को समझ में आ रहा है, बस हाँ बस एक यही टॉपिक है जिसमें मेरे को थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी सब तो मुझसे हो जा रहे हैं इस चैप्टर में। सो या हम इसको भी प्रैक्टिस करेंगे, बट पहले लेट मी शो यू मेरे पास केमिस्ट्री का कितना काम पड़ा है, मैं केमिस्ट्री का मॉड्यूल स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला, तो हाँ जो जो क्वेश्चन मार्क्ड है ना वो सब करने हैं, ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ये सारे क्वेश्चन करने हैं जो जो मार्क्ड है यहाँ, यहाँ पे तो कुछ मार्क नहीं है एनीवेज, यहाँ से जो मार्क्ड है ये वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स ये तो मैंने कर लिए थे जितना होमवर्क पहले मिला था, ये ग्राफ वाला वो सब लाइक बहुत सारे क्वेश्चन है करने को। सो या Let's start time. तो जो केमिस्ट्री का वर्क है वो मैंने ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर लिया था, बस लास्ट के 4-5 क्वेश्चंस रह गए थे, बट मेरा टाइम हो गया था कोचिंग का, तो आई फटाफट हैड माय लंच, गॉट रेडी फॉर कोचिंग एंड मैं अब जाऊंगी अपनी कोचिंग में क्योंकि मेरे को आज टाइम पर, लाइक मैं टाइम पर तो पहुंच जाती बट हाँ नीचे मेरे को भगदड़ नहीं मचानी हमेशा की तरह, तो हाँ आज मैं टाइम पर निकल गई थी घर से, 3:20-3:25 को मैं निकल गई थी, 30 तक बस आती है, बट हाँ थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो दैट इज़ ऑल राइट। तो यहाँ पे मैं लिफ्ट में थी, देन आई गॉट आउट एंड मैं गई हूँ बस स्टैंड पे। एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, गर्मी से मेरे तो सर में दर्द हो जाता है, लाइक लिटरली भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड ये यूनिफॉर्म भी ब्लू है ना तो इसमें और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हाँ एनीवेज आई जस्ट रीच कोचिंग एट ऑलमोस्ट 4 PM एंड वहाँ पे पढ़ के फॉर लाइक 2 hours एंड उसके बाद टेस्ट दिया 1.5 घंटे का जिसमें हालत ख़राब हो गई भाई, इतने अजीब से MCQs थे, इतने अजीब से MCQs थे, मतलब कुछ MCQs तो समझ ही नहीं आया मेरे को कि क्या करना क्या है इनमें, लाइक लिटरली भाई बहुत ही ज़्यादा लाइक हाई लेवल का टेस्ट था ही भाई ये। तो वहाँ पिछला टेस्ट तो मेरा अच्छा गया था, ये वाला टेस्ट मेरा ठीक ठीक गया, तो पता नहीं कितने नंबर आएंगे, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी थी तो लाइक जो गलत है उसका -1 जो सही है उसका +4 एंड टोटल मार्क्स हैं इस टेस्ट के 80 मार्क्स, तो लेट्स सी कितने आते हैं मेरे 80 में से, आई रियली डोंट नो माई स्कोर राइट एंड आई कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग। सो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट, स्टडी व्लॉग, स्टडी टिप्स एंड स्टडी रूटीन्स एंड वॉट नॉट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।